सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते वीडियो देखते लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर भी जरूर दबा दबा दिया, घंटी भी दबा दे। वीडियो को लाइक कर दो, खाना खाने नहीं भूलती ना तो ये भी मत भूलना। गाइस यार कैसे हो आप, उम्मीद करता हूँ सारे ठीक होंगे और आ गया हूँ एक और नई वीडियो रेटिंग के साथ। कुछ इस टाइप की वीडियो रेटिंग इस वाले वीडियो में हम करेंगे और ये वाला जो है वीडियो काफी ट्रेंडिंग में चल रहा है सभी जगह। तो आपको इसी टाइप का वीडियो बनाना तो क्या करना पड़ेगा, इस वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा। और हाँ गाइस, मटेरियल डाउनलोड करने का प्रॉब्लम बहुत सारे बंदों को आ रहा है तो उसके लिए भी इशू मैंने सारा फिक्स कर दिया। आप डायरेक्ट आपको पेज का लिंक मिलेगा, जिस वाले पेज पे आप ड्रॉप हो गए वहाँ से इजीली से डाउनलोड वाला बटन फाइंड करोगे एंड डाउनलोड वाले पेज पे जाकर इजीली से डाउनलोड कर सकते हो। बिल्कुल सिंपल सा होने वाला, जैसे आप पहले करते थे ना वैसे ही सेम। तो मैं आपको सब कुछ बता दूंगा कैसे डाउनलोड करना, अगर आपको कोई इशू आता फिर भी मेरे को आप कमेंट करके ज़रूर से बताना। तो आपको क्या करना गाइज, उसके बाद प्रोजेक्ट डाउनलोड करने के बाद आपको लाइट मोशन को ओपन करना। तो यहाँ से सिंपल से मैं लाइट मोशन पे टैप करके ओपन करता हूँ और प्लस के राइट से मैं जो प्रोजेक्ट का ऑप्शन है सो प्रोजेक्ट के ऑप्शन पे टैप करता हूँ और पहला बीटमार्क प्रोजेक्ट को इस टाइप से देखने को मिलेगा। और जब गाइज बीटमार्क प्रोजेक्ट इंपोर्ट कर रहे होंगे उससे पहले ये वाला फाउंड को जो है डाउनलोड करके इंपोर्ट जरूर से कर ले ताकि आपको जो फाउंड में कोई इशू ना आए और इस टाइप से एरर कोई शो नहीं करे बीटमार्क वाले प्रोजेक्ट में, इसलिए बोल रहा हूँ गाइज। देन गाइज आपको इस टाइप से बीटमार्क पे यहाँ पे मैंने लैरी सब लिख के दिए हुए हैं। तो गाइज आपको सिंपल से ट्रिक क्या करना, आपको सबसे पहले फोटो सबको इंपोर्ट करना। तो यहाँ से फोटो कैसे इंपोर्ट करोगे, सबसे पहले आपको इस वाले ड्यूरेशन पे आ जाना गाइस, सॉरी इस वाले ड्यूरेशन में, देन प्लस पे टैप करना, मीडिया का ऑप्शन में जाना और यहाँ से मैंने ये सारे फोटो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दूंगा एच डी क्वालिटी में जैसे मेरे पास है और डॉक्यूमेंट बना के तो आप इजीली से डाउनलोड कर लोगे। देन गाइस आपको इंपोर्ट कैसे करना, सिंपल से आपने इस पर टैप करना एंड देन थिएटर पर टैप करके फिल कंपोजिशन एरिया पर टैप करोगे तो इस टाइप से हो जाएगा। और जैसे इंपोर्ट कर लोगे गाइस तो यहाँ पर आपको अगले बीटमार्क पर जाना है, तो यहाँ पर एरो का यूज़ करके देन इस वाले ऑप्शन पर टैप करके इसको यहाँ तक ले आना। देन गाइस आपको क्या करना, इस टाइप से इसको टैप करके रखना और इसको टेक्स्ट के नीचे ले आना। तो देख सकते हो कुछ इस टाइप से आ गया। देन फिर से गाइस आपको प्लस का ऑप्शन पे टैप करना, वीडियो का ऑप्शन में अगले इमेज को सिलेक्ट करना, थिएटर पे टैप करके फील कंपोजिशन एरिया, अगले बीटमार्क पे जाना, इस वाले ऑप्शन पे टैप करके इसको भी यहाँ तक ले आना। देन स्लाइड करके गाइस इसको भी टेक्स्ट के नीचे ले आना ताकि आपको टेक्स्ट देखना स्टार्ट हो जाए। देन गाइस आपका ये जो टेक्स्ट है ना ये कहीं पर भी आप फिट कर सकते हो। तो यहाँ पर सिंपल से इसी टाइप से आपको सभी बीटमार्क पे फोटो सबको इंपोर्ट करना। तो सिंपल से हमने फील कंपोजिशन एरिया अगले बीटमार्क पे जाकर इस वाले ऑप्शन पे टैप करके कट कर लिया। तो यहाँ पे मैंने कुछ इस टाइप से कर लिया और देन अगले बिटमार्क पे वापस से जाएंगे और यहाँ से अगले में इसको ऐड करेंगे और अगले में कुछ इस टाइप से करके आगे तक और यहाँ पे इस पर टैप करके रखेंगे, ये सिलेक्ट हो जाएगा, देन इस टाइप से स्लाइड करके नीचे की ओर लेना। सो गाइज ये लास्ट टेक्स्ट रह गया तो इस पर भी मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ से कुछ इस टाइप से इंपोर्ट किया, थिएटर पर टैप करके फील कंपोजिशन लिया और एरो पर टैप करके इस वाले ऑप्शन पर टैप करके इसको यहाँ तक ला सकते हो। सो गाइज इसी टाइप से आपको सभी बिटमार्क पे फोटो सबको इंपोर्ट करना है टेक्स्ट वाले पे और टैक्स और देन आपको गाइज इस वाले ड्यूरेशन से आके प्लस के ऑप्शन पे टैप कर मीडिया का ऑप्शन में और यहाँ से इमेज इंपोर्ट कर इस टाइप से फील कंपोजिशन या अगले बिटमार्क पे जाके कट कर लें। सो इसी टाइप से गाइज यहाँ पे लास्ट तक फोटो सबको इंपोर्ट करना और होप आपको फोटो इंपोर्ट करना आ गया होगा। तो गाइज मैं सिंपल सा वो बता देता हूँ इफेक्ट लगाना। तो यहाँ पे मैं पहले इंपोर्ट कर लेता हूँ सारे फोटोज। यार मैंने फाइनली जितने सारे पे बीट मार्क थे उन सब पे मैं देख सकती हूँ इस टाइप से, मैंने सभी पे फोटोज़ को इंपोर्ट कर लिया। फोटोज़ इंपोर्ट कर लेने के बाद गाइज आपको क्या करना, सबसे पहले इस वाले प्रोजेक्ट से बैक करना, इफेक्ट वाले प्रोजेक्ट को ओपन करना और ओपन करने के बाद गाइज इस टाइप से आपको देखने को मिल जाएगा इफेक्ट वाला प्रोजेक्ट। तो आपको यहाँ पर बहुत सारे इफेक्ट होंगे तो कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, तो आपको सिंपल से मेरे ट्रिक्स को देखना, मतलब कि ध्यान से वीडियो को देखना। तो सबसे पहले आपको क्या करना गाइज, ओवरले पे टैप करना और ओवरले पे टैप करने के बाद इसका इफेक्ट को
कॉपी करना, इस वाले प्रोजेक्ट से बैक आना और बिटमार्क वाले प्रोजेक्ट को ओपन करना, और ओपन करने के बाद गाइज इस वाले इमेज पे आपने पेस्ट करना, और यहाँ पे जितने भी इमेज है ना जो कि टेक्स्ट के बैकग्राउंड में है उन सभी पे इसको पेस्ट करना। तो ये भी टेक्स्ट के बैकग्राउंड में, तो इसको भी पेस्ट करना, जो भी आप टेक्स्ट लिख रहे हो ना उसके बैकग्राउंड में अगर इमेज है तो उस वाले इमेज पे इसको पेस्ट कर देना। तो यहाँ पे मैंने फाइनली पेस्ट कर रहा हूँ, इसी टाइप से आप सभी को भी कर लेना। तो यहाँ पे मैं ख़त्म कर लेता हूँ, तो ये हमारा फाइनली ख़त्म हो गया। देन गाइज आपको इस वाले प्रोजेक्ट से बैक आ जाना, शेक इफेक्ट वाले प्रोजेक्ट ओपन करना, और यहाँ पे देख सकते हो गाइज उसके ऊपर देख सकते हो, अगर इसको जूम करें तो RC Touch 1 है ना यहाँ पे लिखा हुआ ये वाला कुछ, तो इस पर आपने टैप करना, इफेक्ट का ऑप्शन थ्री डॉट पे जाके कॉपी इफेक्ट करना, इस वाले प्रोजेक्ट से बैक करना, सॉन्ग बीट मॉक वाले प्रोजेक्ट को वापस से ऑन करना, और देन गाइज यहाँ पे सबसे पहले वाले इमेज पे आ जाएंगे, और इमेज पे आने के बाद आपको इमेज पे आपको इस वाले इफेक्ट को पेस्ट करना, और यहाँ पे टेक्स्ट पे भी पेस्ट कर देना, और टेक्स्ट पे पेस्ट करने के बाद स्टाइल के ऑप्शन में ये जो आई का ऑप्शन है इसको ऑफ कर देना। सो इसी टाइप से गाइज एक इमेज को आप छोड़ देना, और देन अगले पे जाना और सेम पेस्ट करना, और यहाँ पे टेक्स्ट पे भी पेस्ट करना, और स्टाइल के ऑप्शन के आई को ऑफ कर देना, फिर से एक इमेज को छोड़ देना, देन अगले पे पेस्ट करें, और पेस्ट करने के बाद आपको टेक्स्ट पे भी पेस्ट करना और स्टाइल के ऑप्शन को ऑफ कर देना। सो इसी टाइप से गाइज एंडिंग तक आपको सेम प्रोसेस के साथ करते रहना, तो ये फाइनली ख़त्म हो जाएगा। और देन गाइज आपको क्या करना, अब आपको इस वाले प्रोजेक्ट से बैक आना चले जाना, और यहाँ पे इफेक्ट वाले प्रोजेक्ट को वापस से ऑन करना, और यहाँ पे RC Touch 2 लिखा होना आपने उस पर टैप करना, इफेक्ट का ऑप्शन में जाना, सी डॉट पे जाके कॉपी इफेक्ट करना, इस वाले प्रोजेक्ट से बैक करना, सॉन्ग बिटमॉर्क वाले प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना, और यहाँ पे आप सेकंड वाले इमेज से आपने स्टार्ट होना। सो हमारा सेकंड वाला इफेक्ट इमेज ये रहा, तो इस पर हम पेस्ट करेंगे, देन टेक्स्ट पे भी पेस्ट करेंगे बट इसके टाइल्स को ऑफ कर लेंगे, तो देन आपको आगे चले जाना, और हमारा कुछ इस टाइप से ये रहा सेकंड वाला, तो ये सेकंड और ये रहा फोर्थ, तो इस पर हम पेस्ट करेंगे, और देन इस टेक्स्ट पे पेस्ट करेंगे और टाइल्स के ऑप्शन को ऑफ कर लेंगे। सो इसी टाइप से गाइस ये टेक्स्ट का इफेक्ट इसी के साथ ख़त्म हो जाएगा। अब आपको कुछ कलर्स ऐड करना, तो उसके लिए आपको क्या करना, उसके लिए मैं बताता हूँ। तो यहाँ पे फाइनली ये पेस्ट हो गया, और पेस्ट कर लेने के बाद अब आपको कलर को ऐड करना जो कि इमेज पे होता है, तो उसके लिए आपको क्या करना, इस वाले प्रोजेक्ट में आने के बाद यहाँ पे इस पे आ जाना, ठीक है, स्टार्टिंग में जहाँ से इमेज आ रहा है उस पे आ जाना, देन प्लस के ऑप्शन पे टैप करना, और देन मीडिया के ऑप्शन में चल जाना, और यहाँ से मैं डाउनलोड का फोल्डर सेलेक्ट कर लेता हूँ, और इस टाइप से ये कलर्स देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने फाइनली ये वाला कलर सेलेक्ट किया, और इस टाइप से इसको मैंने कुछ इस टाइप से इसको कर लिया सेट, ठीक है, तो मैंने कुछ इस टाइप से इसको कर लिया। करने के बाद गाइज आपको क्या करना, यहाँ पे ब्लेंडिंग ऑन ऑपोसिटी के ऑप्शन में चले जाना, और यहाँ कॉन्स्टेंट पे टैप करके ओवरले पे टैप कर लेना, तो ये जो फाइनली हो जाएगा। और यहाँ पे इसको क्या करना, आप अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हो, तो देख सकते हो ये जो फाइनली हमने कुछ इस टाइप से इसको फिट कर लिया। देन गाइज इसको आगे तक लाने के लिए आपको क्या करना, कुछ इस वाले पॉइंट पे आ जाना, और आने के बाद आपने इस पे टैप करना, और इस वाले ऑप्शन पे टैप करके इसको यहाँ तक ले आना। सो फाइनली ये हो जाएगा कुछ इस टाइप से। देन गाइज आपको क्या करना, यहाँ पे कुछ इस वाले पॉइंट से लेके और यहाँ एंडिंग तक आपको इफेक्ट पेस्ट करना। सो उसके लिए आपको इस वाले प्रोजेक्ट से बैक करना, इफेक्ट वाले प्रोजेक्ट को ओपन करना, और यहाँ पे कुछ इस टाइप से पहला इमेज देखने को मिलेगा, सो इमेज पे टैप कर इफेक्ट के ऑप्शन में, थ्री डॉट पे जाके कॉपी इफेक्ट, इस वाले प्रोजेक्ट से बैक आए, सॉन्ग बिटमॉर्क वाले प्रोजेक्ट में चले जाए, और देन गाइज ये वाला PNG ना इसको आप जैसे मर्जी सेट करना चाहते हो वैसे कर सकते हो, ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया, बस आप सेट कर लें। देन गाइज आपको क्या करना है, कुछ इस वाले ड्रेशन पे आ जाना, ठीक है, जहाँ से इमेज स्टार्ट होना उस वाले ड्रेशन पे आए, देन आपको फर्स्ट वाले इमेज पे टैप करके पेस्ट करना, देन गाइज एक इमेज को छोड़ देना, देन अगले पे पेस्ट करना, इसी टाइप से एक इमेज को छोड़ देना, देन अगले पे पेस्ट करें, जैसे आपने टेक्स्ट के इफेक्ट में किया था वही सेम प्रोसेस है गाइज। तो यहाँ पे एक इमेज छोड़ दे, देन अगले पे पेस्ट करें, देन फिर से आपको एक इमेज को छोड़ देना, अगले पे पेस्ट करें, और इसी टाइप से करते करते आपको लास्ट तक सेम प्रोसेस को इंपोर्ट कर लेना। तो इस वाले इमेज पे है, तो यहाँ पे अपने पेस्ट करना, और देन गाइज एक इमेज को छोड़ के और अगले पे पेस्ट करें। सो इसी टाइप से कर ले, और देन गाइज जितने सारे भी इमेज बच जाएंगे उन सब पे आपको क्या करना, सेकंड वाला इफेक्ट को लगा लेना। देन गाइज इस वाले प्रोजेक्ट से बैक करना, इफेक्ट वाले प्रोजेक्ट को वापस से ऑन करना, और यहाँ पे CC दिया हुआ, तो इन तीनों लेयर को कॉपी करके आपको सिंपल से कॉपी 3 लेयर पे टैप करना, और ये CC का मतलब होता है जो SDR है ना, ये देख सकते हो यहाँ पे आपको फर्क देखने को मिल जाएगा। तो जैसे इसको ऑन करेंगे तो यहाँ पे इतना फर्क देख रहा है, ठीक है, तो इन तीनों को कॉपी हम कर लिए हैं। देन इस वाले प्रोजेक्ट से बैक आएंगे और सॉन्ग बिटमॉर्क वाले को ओपन करेंगे, अगर आपको पेस्ट करना है फिर, वैसे आप ऐसे भी एक्सपोर्ट करोगे तो बहुत अच्छा आपको स्टेट देखने को मिल जाएगा। देन गाइज अगर आपको CC लगाना, मतलब कि SDR प्रीसेट लगाना, तो उसके लिए आपको इस वाले प्रोजेक्ट यहाँ पे आ जाना, इस वाले प्रोजेक्ट में, इस वाले ड्यूशन पे, देन WWW पे टैप करना, पेस्ट लेयर पे टैप करना, और ये जो फाइनली ये पेस्ट हो जाएगा। देन इसको एंडिंग तक लाने के लिए आपको क्या करना, इस पर टैप करना है, स्पीड वाले ऑप्शन में जाकर इस वाले ऑप्शन पर टैप करके इन तीनों को इसी टाइप से आपको सभी को एक एक करके यहाँ तक ले आना। देन गाइज आपको अपने लोगो वगैरह को लगा लेना, और एक्सपोर्ट कैसे करना गाइज, आपको सेटिंग पे टैप करना, और यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे
जो फ्रेम रेट है उसको 60 जरूर से कर लें, और देन सेटिंग के राइट साइड में आइकन है उस पर टैप करें, वीडियो पे टैप करें, एक्सपोर्ट पे टैप करोगे तो ये जो एक्सपोर्टिंग पर लग जाएगा। और गाइस जिनका एक्सपोर्ट नहीं हो रहा वो क्या करें, उनके लिए आपको मैं बता दूँ कि एक्सपोर्टिंग की जो क्वालिटी होता है वो लो कर लें, और कैसे करते हैं मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ, तो जाके जैसे देख सकते हो। सो गाइस कुछ इस हिसाब से वीडियो को बना लें, कैसे लगे ऐसी वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, जो भी हमारे चैनल पर नए हैं पहली बार आए तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें गाइस। सो मैं मिलता हूं किसी और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।